हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह के बजे 7 मिलेंगे पार्किंग में। मजा आया वो पार्किंग में। ए फ्यू मोमेंट्स लेट हड़पसर में आया था, गाड़ी का हॉर्न बजना बंद हो गया, इंडिकेटर बंद, सब बंद। तो मैं सोचा कि आगे लॉन्ग जर्नी जाना है, तो अभी तक पुणे में ही है। अभी देखो 9:30 बज गए। जब मैं 2 दिन से बाहर निकल रहा हूँ तो गाड़ी कुछ ना कुछ काम निकल रही। अभी उसका हॉर्न ही नहीं बज रहा, इंडिकेटर नहीं लग रहे। मैकेनिक साहब आए, अभी देखेंगे वायरिंग का क्या हाल है। इसको वायरिंग चेक कर रहे हैं। चलो देखेंगे कैसा फ्यूज चेंज कर रहे हैं। ये देखो इसी तरह से फ्यूज है, ये फ्यूज गया था, अभी वो चेंज कर रहे हैं। देखेंगे चेंज होने के बाद चालू हो रखने हॉर्न। एसी चेक कर रहे हैं। गाड़ी चालू की है अभी, गैस कम है कह रहे हैं। देखेंगे गैस भर के, देखेंगे एसी चल रहा कि नहीं। एसी में गैस भरने का काम चालू है, लीकेज है एसी का। एसी रिपेयर कैसा करते हैं या एसी में गैस कैसा भरा जाता है, ये आज का वीडियो इस पे होने वाला है। तो जा रहे तो हम अकलूज, और ये आपने तो देखा कि रास्ते में क्या प्रॉब्लम आया है। तो गए रिपेयर के लिए। 11 बज रहे हैं और अकलूस कब पहुँचेंगे पता नहीं है। अभी के बीच में गाड़ी का काम निकला। वैक्यूम करके एसी के अंदर ऑयल छोड़ेंगे। गाड़ी के अंदर अभी चूहा है, मेरे को उसने अब भी ये वायर कट किया, क्योंकि गाड़ी रिपेयरिंग करे और यहाँ पे भी सब पानी गिरा ही नहीं थी। पूरा वायरिंग कर दिया। गाड़ी का काम, एसी का काम हो गया, और चूहे ने जो वायर कतरा था वो भी हो गया। 2300 बिल हुआ है। भूख तो इतनी लगी है, अभी ये 12 बज गए यहाँ पे एग्जैक्ट, और अभी मैं निकल रहा हूँ। रास्ते में देखेंगे किधर तो खाना खाएंगे। अभी क्या सुबह निकले थे कि 11:30 बजे तक अकलूज में पहुँचेंगे, लेकिन अभी हड़पसर पुणे में ही मैं अभी, यानी कि घर से सिर्फ 20 किलोमीटर देख सकते, 20 किलोमीटर आया हूँ, और अभी यहाँ से जर्नी 180 किलोमीटर है। पेट्रोल पंप पे आए, 106 रुपए लीटर पेट्रोल है आज। खाना खाने के लिए रुके प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट में। अब यहाँ पे खाना खाएंगे फिर आगे के लिए निकलेंगे। खाना खाया, खाना अच्छा बेहतरीन था। तो चलो अभी निकलेंगे, ऐसे 120 किलोमीटर जाना है। और अकलूज में आया था तो मेरे को सब्सक्राइबर मिले हैं। तो ये जो है जो आमन कंस्ट्रक्शन है, जो कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं अकलूज में, और ये जो है जो स्लैब डालने का जो काम है सेंटरिंग, तो ये काम, ये सेंटरिंग का काम इन लोगों ने किया है। तो मैं निकले हुए 3:30 बजे पहुंच गए। रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें आई, आपने तो वीडियो में देखा ही होगा। लेकिन एक्चुअल क्या हुआ था कि गाड़ी के इंजन के अंदर एक बड़ा चूहा था, हमें पता ही नहीं। और कातरस से लेकर हड़पसर तक वो चूहे ने क्या किया कि अंदर की वायर सब कट किया गाड़ी की, इंजन के अंदर की। तो उसमें हॉर्न, इंडिकेटर,
लाइट आ गई कि सब बंद हो गए। सोचा कि ये सब बंद है तो इतने दूर की जर्नी कैसी करेंगे, इसलिए हड़पसर में हम एक गैरेज देख के रुके। तो वहाँ पे एसी के मैकेनिक और वायरिंग वाले थे, तो उन्होंने सब चेक किया। तो आपने वीडियो में देखा ही कि क्या क्या इश्यू आए थे, कि उसके अंदर चूहा था, वो स्प्रे मारा, कि उसके स्प्रे मारने के बाद में फिर वायरिंग किया पूरा, और आखिरकार हम अकलूज में पहुँच गए। आपने मेरे अकलूज में के इसके पहले के वीडियोस देखे होंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो ज़रूर मेरे इस पहले के वीडियो जाके देखिए। तो आज का ये मेरा पुणे से अकलूज ट्रैवलिंग, वो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।